छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां दिन हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष ने सदन की शुरुआत होते ही हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने नारायणपुर जिले में आदिवासी किसान हीरू राम की आत्महत्या का मामला उठाया। इस पर मंत्री का जवाब सुनने के बाद नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं इस हंगामे को लेकर मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस विधायक लखेश्वर ने जो सवाल उठाया केवल राजनीतिकरण के लिए था। जिस मृतक ने जहर खाकर आत्महत्या की वह बैंक का कोई कर नहीं लिया था और उसके ऊपर कोई कर्ज माफी भी नहीं रहा। आपसी घर की लड़ाई के कारण आत्महत्या की है और उसे बाद की जानकारी सदन को दी। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा सांसद के लिए प्रत्याशी की घोषणा को लेकर भी बयान दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जो कांग्रेस के विधायक लखेश्वर बघेल ने जो प्रश्न उठाया वो केवल राजनीतिकरण करने की दृष्टि से उन्होंने ये प्रश्न उठाया। जिस मृतक ने जहर खाकर के आत्महत्या दी कि वो बैंक का कोई कर्ज नहीं लिया था और उसके ऊपर कोई कर्ज बाकी भी नहीं रहा और वो आपसी घर के लड़ाई के कारण से उसने आत्महत्या की है और उस बात की जानकारी मैंने सदन को दी। और हमारी सरकार को बने हुए तो मात्र 6 से 7 दिन हुए थे और 6 से 7 दिन के भीतर में यदि कहते हैं कांग्रेस ये कहे कि कर्ज माफी नहीं हुआ इसी कारण आत्महत्या की, तो ये सीधा सीधा राजनीति को ही प्रेरित है।